हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में 42.50 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने नगांव बैरी रोड पर स्थित अलीखड़ पुल सहित पीडब्ल्यूडी की विभिन्न सड़कों का उद्घाटन किया। सीएम ने जल शक्ति विभाग की 17 करोड़ की पेयजल योजनाओं सहित सिंचाई योजना की भी आधारशिला रखी। इसके अलावा विभिन्न स्कूलों के नवनिर्मित कमरों का भी लोकार्पण किया गया। उद्घाटन भी यहां पर कई किए गए। वहीं पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां होने की बात भी कही। सीएम ने बीजेपी की दोबारा सरकार बनने का दावा भी किया है। रणधीर जी के इस क्षेत्र में आए हैं और नैना देवी जी के यहाँ इस क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य चले हुए हैं और आज भी बहुत सारे विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स जो इस क्षेत्र में हमने शुरू किए थे वो पूर्णता की ओर बढ़े हैं, कुछ पूर्ण हो गए हैं और बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स जो है वो विकास के हैं उनको तेज़ गति से आगे बढ़ाने का प्रयत्न है।